दोस्तों ये बात आप लोग जानते ही हो कि बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा यानी कि भैया श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री के पार्ट टू को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए फाइनली कल 19 दिन हो चुके हैं और आज इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर 20वां दिन है। और भाई कल इस फिल्म को लेकर मैंने आप लोगों को ये जानकारी दी थी ना कि भैया इस फिल्म को 19वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार कलेक्शन मिलेगा और इस कलेक्शन के माध्यम से ये फिल्म 19वें दिन बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन कलेक्शन करने वाली सभी फिल्मों को पीछे करते हुए रिकॉर्ड बुक में बड़ा बदलाव कर देगी। तो भाई ऐसा ही हुआ है और जो आंकड़े मैंने आप लोगों को कल रात को बताया था ना कि भैया इतने का कलेक्शन इस फिल्म को मिल रहा है 19वें दिन, तो भाई उतने का ही कलेक्शन मिला है। तो भैया कैसा रहा 19वां दिन स्त्री के पार्ट टू का बॉक्स ऑफिस पर, चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि भैया स्त्री ने अपने तीसरे हफ्ते की शुरुआत तीसरे फ्राइडे को जो बॉक्स ऑफिस पर की थी वो भाई की थी 9,25,00,000 रुपए के माध्यम से। उसके साथ भैया इस फिल्म को 17वें दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला वो आंकड़ा रहा 17,40,00,000 रुपए का। और उसके बाद भैया 18वें दिन इस फिल्म को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला वो आंकड़ा रहा 22,10,00,000 रुपए का। और इस तरह से स्त्री के पार्ट टू ने अपना तीसरा वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार तरीके से पूरा किया कई सारे रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद। अब भाई इस फिल्म का तीसरे हफ्ते का वर्किंग डे शुरू हो चुका है तीसरे मंडे के माध्यम से और भाई तीसरे मंडे को भी इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार कलेक्शन मिला मेरे भाई। और ये कलेक्शन कितने का है तो भैया वो आंकड़ा है 7,05,00,000 रुपए का। और इस कलेक्शन के माध्यम से इस फिल्म ने उन टॉप 10 फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर पछाड़ दिया है जो कि भाई 19वें दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन की थी। तो भैया ये 10 फिल्में हैं कौन सी, तो भैया इस टॉप 10 की लिस्ट में 10वें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है तू झूठी मैं मक्कार। भाई ये फिल्म श्रद्धा कपूर की ही फिल्म थी। इस फिल्म को जो 19वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 4 करोड़ का। देन उसके बाद भी इस लिस्ट में 9वें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है पीके, जिसको 19वें दिन बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 4,02,00,000 रुपए का। उसके बाद भी इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है भाई जवान, जो कि भाई रिकॉर्ड बुक में कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम करके बैठी थी। तो भैया इस फिल्म को 19वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कितने का कलेक्शन मिला, तो भैया वो आंकड़ा रहा 4,90,00,000 रुपए का। देन उसके बाद भी इस लिस्ट में 7वें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है एनिमल, जिसको 19वें दिन बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 5 करोड़ का। देन उसके बाद भी इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर है गदर का पार्ट टू, 5,10,00,000 रुपए के बिजनेस के माध्यम से। उसके बाद भैया 5वें नंबर पर है सुल्तान, 5,14,00,000 के बिजनेस के माध्यम से। 4थे नंबर पर है वॉर, 5,60,00,000 रुपए के बिजनेस के माध्यम से। 3रे नंबर पर है बाहुबली का पार्ट टू, 6,95,00,000 रुपए के बिजनेस के माध्यम से। और भाई मेरे हिसाब से तो भैया पठान जो है वो इस लिस्ट में होनी चाहिए भाई दूसरे नंबर पर, क्योंकि भैया इस फिल्म को 19वें दिन बॉक्स ऑफिस पर मिला था कलेक्शन 12,60,00,000 रुपए का। अब आप यही बात कहोगे कि क्यों इस फिल्म को मैं दूसरे पोजिशन पर रख रहा हूं, तो भाई इस दिन पठान का बॉक्स ऑफिस पर मंडे नहीं बल्कि संडे था और इसी वजह से मैं पठान को थोड़ा सा नीचे लेकर आया हूं मेरे भाई। और मैं आपको बता दूं कि पठान को पछाड़ते हुए स्त्री के पार्ट टू ने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और ये संकेत दे दिए हैं रिकॉर्ड बुक को कि भैया बहुत जल्दी ही ये फिल्म जवान के उस रिकॉर्ड को क्रैक कर लेगी जो कि भाई उसके नाम है इंडिया में जबरदस्त नेट कलेक्शन हासिल करने का हिंदी लैंग्वेज में, यानी 583 करोड़ के आसपास का बिजनेस इस फिल्म को लाइफ टाइम मिला था नेट कलेक्शन के माध्यम से, जिसकी तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रही है स्त्री का पार्ट टू। और भाई इस वक्त स्त्री के पार्ट टू को जिस तरह का सपोर्ट मिल रहा है जनता के द्वारा उसको देखने के बाद, तो भैया ये बात साफ हो गई है कि स्त्री का पार्ट टू ये रिकॉर्ड बहुत ही आसानी से अपने नाम कर लेगी। आप लोग को भी ऐसा लगता है ना, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।